बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को जुनैद मुर्तजा छछर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि कैसे हजरत सच्चर सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की जान का सदका देकर वाली खैरपुर के बेटे की जान बचाई। वाली खैरपुर इजहार शुक्रगुजारी के तौर पर कीमती तोहफ लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। खानकाह की हदूद में दाखिल होकर वाली खैरपुर ने देखा कि हर चेहरा गम में डूबा हुआ है, हर आंख अश्कबार है। वाली खैरपुर ने दरवेश के खिदमतगारों से पूछा, आखिर यहाँ क्या सान्या पेश आया है? ऐसा सान्या जो किसी पत्थर के साथ पेश आता तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। एक खादम ने शेख के फरजंद के इंतकाल की खबर सुनाते हुए कहा, वाली खैरपुर मीर रुस्तम अली खान दम बखुद रह गया और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दरवेश के खादमे खास ने वाली खैरपुर को मुखातब करते हुए कहा, वाली खैरपुर हैरान, मेरी वजह से कैसे? आप शेख से अपने बेटे की सेहत के लिए दुआ कराने आए थे, खादमे खास ने वजाहत की, मगर शेख की आंखें देख रही थी कि वली अहद सल्तनत का वक़्त पूरा हो चुका है, इसलिए हमारे मखदूम ने बारगाह जुलजलाल में अपने फर्जंद की जान का सदका पेश कर दिया। ये सुनकर वाली खैरपुर को सख्ता सा हो गया। फिर जब उसके होशो हवास बहाल हुए तो वो बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और दरवेश से लिपट कर कहने लगा, शेख ये आप ही का हौसला था और इस अंदाज का सदका आप ही पेश कर सकते थे। वाली खैरपुर दरवेश से लिपटा रो रहा था। गैर शख्स के लिए अपने फर्जंद की कुर्बानी देना दरवेशों ही का मनसब है। मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। बात जहाँ तक पहुँचना थी पहुँच गई। दरवेश ने वाली खैरपुर को अपने से अलग करते हुए कहा, मशीयत में यूं ही लिखा था, तुम्हें वली अहद सल्तनत की जिंदगी मुबारक हो। मीर रुस्तम अली खान वापस चला गया। जाते वक्त उसने सारे तोहफ उन फुकरा में तकसीम कर दिए जो बुजुर्ग की गलियों में पड़े रहते थे। जहाँ तक सदकाए जान का तल्लक है तो इसकी हकीकत भी तस्लीम शुदा है। अगर सदकाए जान सदके नियत से पेश किया जाए तो बारगाह जुल जलाल में कबूल हो जाता है। मुगल शहनशाह जीरोद्दीन बाबर का वाकया मशहूर है कि जब वली अहद सल्तनत नसीरुद्दीन हुमायूं बीमार हुआ, हिंदुस्तान भर के हाजक उतबा उसके इलाज से आजीज आ गए तो किसी दरबारी आलम ने बाबर को मशवरा देते हुए कहा, अगर शहनशाह अपनी सबसे कीमती चीज़ का सदका दें तो वली अहद सल्तनत के सर से यह बीमारी टल सकती है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने वजीरों और मशीरों से पूछा, हमारे पास सबसे कीमती शय क्या है? मुगलिया सल्तनत के वजीर ख़जाना ने जवाबन अर्ज किया, हमारे पास दुनिया का सबसे कीमती और नायाब अलमास हीरा मौजूद है जो हमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ख़जाने से हासिल हुआ था। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सदकात देने के मशवरे दिए। आखिर ज़ीरोद्दीन बाबर ने अपने मशीरों को मुखातब करते हुए कहा, ये सब हकीर तरीन चीज़ें हैं। इंसान की ज़िंदगी से कीमती कोई शय नहीं होती, इसलिए हम बारगाह जुल जलाल में हुमायूं के लिए अपनी जान का सदका पेश करेंगे। यह कहकर मुगल शहनशाह ने वजू किया और हुमायूं के बिस्तर के गिर्द साथ चक्कर लगाए। औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने वाला बाप आवाज़ बुलंद ये दुआ मांग रहा था, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले और मुस्तरबुल हाल बंदों की दुआएं सुनने वाले, हुमायूं की सारी बलाएं बाबर के सर, मेरे इस सदके को कबूल फरमा कि तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। साथ चक्कर लगाने के बाद बाबर पर बीमारी के आसार तारी होने लगे और नसीरुद्दीन हुमायूं सेहतियाब होने लगा। फिर जब हुमायूं ने गुस्ले सेहत किया, ज़हीरुद्दीन बाबर को गुस्ले मैयत दिया गया। सदका जान की हसीयत अपनी जगह, मगर कबूलियत और गैर कबूलियत का इन्हिसार सिर्फ बारी ताला की मर्जी पर है। मोहतरम दोस्तों, अगर आपको हमारी ये अहले बैत से मुतलका काविश पसंद आ रही है तो अगर आप मुनासिब समझें तो जुनैद मुर्तजा छछर को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर सकते हैं ताकि हम अहले बैत और तसव्वुफ से मुतलका मजीद वीडियोस भी आपके लिए लाकर आपके और अपने खुद के ईमान को ताज़ा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।